तो भाई लोग, आज वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। ऐसा क्यों एटीट्यूड भाई, क्या खास है इस वीडियो में, हमें भी जरा बता दो। देखो भाई, रियलिटी बताऊं तो ये ट्रिक बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। देखो, वन टैप जो कि अधिकतर बंदे मार लेते हैं, लेकिन शॉटगन और एसकेएस जैसे गनों में। लेकिन जब बात आए AWM गन से, तो फिर सभी का रिएक्शन ये होता है। क्या भाई, AWM गन ये फालतू गन्स में यूज नहीं करता मैं। AK-47 यूज करता हूँ और बाकी एयर गन्स यूज करता हूँ, और एक एक बुलेट में सभी बंदे को हेडशॉट मार देता हूँ। लेकिन रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी तो ये है कि उसे आता ही नहीं है भाई, मुंह की बात छील ली। और तो और वो सीखना भी नहीं चाहता, और यही सबसे बड़ी दुख की बात है कि उसे स्नाइपर सीखना ही नहीं है। और अभी के समय में स्नाइपर्स के यूजर बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं और इसको बहुत ही ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, चाहे वो ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो या फिर रैंक्ड मैच। तो फिर चलो सीखते हैं। अरे भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा, अगर सिखाना तो यही सिखा, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे भाई, वो मतलब मेरा नहीं है, मेरा मतलब कि चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिसको तुम लोगों को करने जरूर चाहिए। तो सबसे पहला देखो, जनरल सेंसिटिविटी को तुम लोगों को 90 से ज्यादा नहीं रखना है। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जब तुम लोग AWM यूज करते हो ना, तुम लोगों का सेंसिटिविटी पहले से ही हाई रहता है, तो तुम लोग 85 रख सकते हो या फिर 80 भी रख सकते हो। देन इसके बाद आता है रेड डॉट की सेंसिटिविटी। देखो, इसको तुम लोगों को 60 से ज्यादा नहीं रखना है, भूल कर भी इसको तुम लोग 60 से कम रखना। देन बात आती है स्नाइपर स्कोप, जो कि मेन सेंसिटिविटी होगी इसके लिए। देखो, अगर तुम लोग डबल AWM चलाते हो देन तुम लोग इसको फुल करके रख सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग वन शॉट मारना चाहते हो AWM से, देन इसको फुल नहीं रखना। हो सकता है तो 80 रखो, 90 रखो, बट फुल नहीं करना। इसके बाद है नेक्स्ट कुछ सेटिंग्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कि तुम लोगों को लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज ऑन कर देना है। अब दूसरा, तुम लोगों को क्विक स्नाइपिंग को होल्ड फायर टू स्कोप कर देना है, इससे तुम लोगों का AWM रिलोड नहीं होगा। देखो, इसके बाद क्या करना है, तुम लोगों को अपनी किट्टी की इमोट या फिर अपनी इमोट को बीच पर एकदम मिडिल पर सेट कर देना है, इस जगह पर एम पर, और तुम लोगों को अपने अनुसार जो भी साइज रखना है वो रख सकते हो और सेव कर देना। इससे तुम लोगों के स्क्रीन पर एक इस तरह से शो होगा, जिससे तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि तुम लोगों का बुलेट कहां पर लगने वाला है। अब देखो, तुम लोगों को कैसे चलाना है AWM को पहले ये सीखो। देखो, तुम लोग क्या करना है, लेफ्ट फायर बटन से फायर करना है इस जगह से, और तुम लोगों को स्विच करना है गन को कुछ इस जगह से। ऐसा तुम लोग कैसे कर सकते हो, पहले लेफ्ट फायर बटन को क्लिक करो, देन यहां से तुरंत से स्विच करो, जिससे तुम लोगों का AWM भी रिलोड नहीं लगेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट टिप है, तुम लोगों को क्या करना है, अपना एम को अपने कंधे के बराबर पर या उससे ऊपर पर रखना है, हमेशा याद रखना, इससे तुम लोग नीचे नहीं रख सकते हो। सो कुछ एग्जांपल्स देख लो। देखो, यहाँ बंदा बहुत ही दूर रेंज पर है, फिर भी मैंने अपना एम कंधे से ऊपर रखा है। उसी तरह नेक्स्ट क्लिप देखो, यहाँ पर जो बंदा है वो मिडिल रेंज पर है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने अपना एम कंधे से ऊपर पर रखा है। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ शॉर्ट रेंज पर भी मुझे वन टैप मार रहा था और मैंने अपना एम कंधे से ऊपर रखा है। यानी कि हर रेंज पर तुम लोगों को अपना एम अपने कंधे से ऊपर रखना है, जिससे तुम लोग वन टैप इजीली मार सकते हो। सो ट्रिक को ध्यान से समझना। सबसे पहला, तुम लोग क्या करना, मूवमेंट बटन से इधर से उधर मूव करते रहना है। सही हुआ टिप नंबर वन। टिप नंबर टू, तुम लोगों को क्या करना, अपने स्क्रीन को यहाँ से एडजस्ट करना है, बंदे के हेड के पास इधर से उधर करना है वो, तो यहाँ से करना। थर्ड है, तुम लोगों को लेफ्ट फायर बटन से फायर करना है इस जगह से। एंड सबसे लास्ट, तुम लोगों को स्विच करना है इस जगह से, जिससे तुम लोग गन भी रिलोड नहीं लगेगा और इजीली तुम लोग वन टैप भी मार सकते हो।